मैं भाई अमरीश ठाकुर जो लखनऊ से आए हुए हैं। देखिए साहब, ऐसा लगता है जैसे बारात में लोग किसी लड़के को प्रस्तुत करते हैं कि देखिए इसकी शादी होने वाली है, बिल उसी भांति लग रहे हैं। बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी, बहुत अच्छा लेखन कार्य, उतना ही अच्छा प्रस्तुतिकरण। लखनऊ से हमारे बीच में आए, इन चार पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज देता हूं भाई अमरीश ठाकुर लखनऊ से, कि मंजिल मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है, मेहनत ज्यादा करो। 100% चाहिए मुझे कि मंजिल मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है, मेहनत ज्यादा करो। यूं तो लोहा भी सोना होता है पारस स्पर्श से, तुम कोहिनूर बनके दिखाओगे ये वादा करो भाई अमरीश। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया, समृद्ध मंच को प्रणाम, चकिया की धरती को प्रणाम। बहुत ही अच्छी माता की वंदना रुचि मैम आपने पढ़ी और इमरान ने भी क्या माहौल बना दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी चकिया की जमीन से शहीद हुए हमारे आलोक कुमार राव को, और उसके चरणों में चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि बीच संघर्षों के एक अद्भुत कहानी हो गई, बीच संघर्षों के एक अद्भुत कहानी हो गए, जो जमीन पर जंग लड़कर आसमानी हो गए। बीच संघर्षों के एक अद्भुत कहानी हो गए, जो जमीन पे जंग लड़कर आसमानी हो गए। है नमन उन बाकरों को जो गगन पर छा गए, जीत कर लंका हमारे राम वापस आ गए, जीत कर लंका हमारे राम वापस आ गए। बहुत बढ़िया, हीमोग्लोबिन आपने ऐसे लेवल पे ला दिया दिनेश भैया कि वो बना रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बनारस परिक्षेत्र में है तो बनारस की बात के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो इससे पहले आगे बढ़े। अद्भुत शहर है बनारस भी, चार पंक्तियों के साथ बनारस है कि गंगा की आरती से मणिकर्णिका के तट तक, गंगा की आरती से मणिकर्णिका के तट तक, इस लोक के तरण से उस लोक को गमन तक। क्या बात, बड़ी बात है। आप सब जानते हैं मणिकर्णिका को, अद्भुत शहर है। जब मैं पहली बार बनारस आया तो जैसा अद्भुत बनारस है वैसा ही मणिकर्णिका है, वहां लाइन कभी खत्म ही नहीं होती अर्थियों की। और हम तो पहली बार आए थे बाइक लेके, दान बहादुर जी हमारे बनारस के निवासी हमारे साथ बाइक पे पीछे बैठे हैं और आगे कतार लगी हुई है मणिकर्णिका पे। सोचिए रास्ता निकालने के लिए हम हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो देखिए कैसे अद्भुत उल्लास, कैसा उल्लास रहता है बनारस में कि वो जो अर्थी लेके बंदा खड़ा है वो भी पलट के कह रहा है ऐसे पहले जइबा का, मतलब इससे भी पहले जाओगे क्या। तो ये है बनारस, गंगा की आरती से मणिकर्णिका के तट तक, इस लोक के तरण से उस लोक को गमन तक, हर देवता के मन से, देवताओं देवता तरसते हैं काशी के लिए, हर देवता के मन से, हर आदमी के मन तक आती है जो दिलों से आवाज है बनारस, आती है जो दिलों से आवाज है बनारस। जितना कठिन है उतना आसान है बनारस, क्या बात है बनारस, क्या बात है बनारस। बहुत 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 शुक्रिया। अब उस विषय पे आते हैं जिसमें सभी पीएचडी करना चाहते हैं कि मोहब्बत में तो डिस्टिंक्शन मिली है, मोहब्बत में तो डिस्टिंक्शन मिली है, गमों का बैक पेपर चल रहा है और दिमागी तौर पर कमजोर है दिल, जमाने भर से ट्यूशन पढ़ रहा है, जमाने भर से ट्यूशन पढ़ रहा है। आइए चकिया के तेवर के कुछ शेर कि हवा का रुख बदलना चाहता है। चकिया बता दीजिएगा कि अगर ये शेर आप पे लगता है कि नहीं कि हवा का रुख बदलना चाहते हैं, दिए हैं और जलना चाहते हैं, हवा का रुख बदलना चाहते हैं, दिए हैं और जलना चाहते हैं। मुसव्विर, मुसव्विर मतलब होता है चित्रकार, तो मुसव्विर कैनवस बदलो तुम्हारा,
अब हम मंजर बदलना चाहते हैं। मुसव्विर कैनवस बदलो तुम्हारा, अब हम मंजर बदलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए एक कविता है महाभारत जो मैं हर जगह पढ़ता हूँ, आप सब सुनिए कि मेरा मानना है कि महाभारत आज के समय में भी चल रही है और हमारा मन तय करता है, हमारे अंदर भी वो कौरव और पांडव हैं और हमारा चयन तय करता है कि हमारा पक्ष क्या है। ध्यान से सुनिएगा कि कर रहा विलाप पाप, बढ़ रहे हैं धर्मराज। कर रहा विलाप पाप, बढ़ रहे हैं धर्मराज। संजय खड़ा सुना रहा है कौरवों का सर्वनाश। क्या बात, सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही है। सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही। ये कैसा वक्त आ गया, न दिन है न निशान है। सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही। ये कैसा वक्त आ गया, न दिन है न निशा रही। ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत। ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत का। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है। अभी भी पांडु पुत्र है। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है। अभी भी पांडु पुत्र है, अभी भी वंशीधारी है। अभी भी पांडु पुत्र है, अभी भी वंशीधारी है। अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है। अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है। अभी भी द्रोणाचार्य के अंतर हृदय में द्वंद है। परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं। परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं। अधर्म के समक्ष अपने अस्त्र डालना नहीं। परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं। अधर्म के समक्ष अपने अस्त्र डालना नहीं। तुम्हें शपथ है सत्य की, स्वयं तुम्हारे रक्त। तुम्हें शपथ है सत्य की, स्वयं तुम्हारे रक्त की। तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है। तुम्हारे हाथ में ही आज द्रौपदी की लाज है। तुम आज भी समर्थ हो, पुनः विजय तुम्हारी है। ये युद्ध अब भी जारी है। ये युद्ध अब भी जारी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। आइए एक गजल के कुछ अशार और अपनी जगह कि मेरी आदत है मैं ख्वाबों ख्याली पर नहीं लिखता। मेरी आदत है मैं ख्वाबों ख्याली पर नहीं लिखता, सवालों पे लिखता हूँ, सवाली पर नहीं लिखता। क्या बात, क्या बात। ये शेर सारे पत्रकार एसोसिएशन के नाम, यूपी जर्नलिज्म एसोसिएशन के नाम है कि मेरी आदत है मैं ख्वाबों ख्याली पर नहीं लिखता, सवालों पे लिखता हूँ, सवाली पर नहीं लिखता। क्या बात। मैं कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं। क्या बात। एक पेड़, एक दरख्त अगर सूख भी जाए तो जलाने के काम आता है। तो मैं कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं। करीने से पली फूलों की डाली पर नहीं लिखता। मैं कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं। करीने से पली फूलों की डाली पर नहीं लिखता। शहर बेशक घिरा रहता है मजहब के बवालों में। शहर बेशक घिरा रहता है मजहब के बवालों में। बवालों पर तो लिखता हूँ, बवाली पर नहीं लिखता। बहुत शुक्रिया। बवालों पर तो लिखता हूँ, बवाली पर नहीं लिखता हूँ। लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है। शेर सुनिएगा। हूँ लिखता उसके सजदे में, बेगम हूँ लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है। मैं हर महफिल में यूं ही आने वाली पर नहीं लिखता। मैं इस महफिल में हर एक आने वाली पर नहीं लिखता। हूँ लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है। मैं इस महफिल में हर एक आने वाली पर नहीं लिखता। मैं लिखता हूँ तिमिर में रोशनी देते चरागों पर।
नवल शेर सुनेगा। तिमिर तिमिर मतलब अंधेरा, कि मैं लिखता हूँ तिमिर में रोशनी देते चरागों पर, अमीरों के यहाँ मंती दिवाली पर नहीं लिखता। मैं लिखता हूँ तिमिर में रोशनी देते चरागों पर, अमीरों के यहाँ मंती दिवाली पर नहीं लिखता। और शेर आखिर है कि तखल्लुस, तखल्लुस मतलब जो जैसे दिनेश भैया ने अपने आगे देहाती लगा रखा है, तो उनका तखल्लुस है कि तखल्लुस कुछ नहीं लिखता, कोशिश आजमाता हूँ मेरे यारों, मैं अब लोगों की ताली पर नहीं लिखता, मेरी आदत है मैं ख्वाबों ख्याली पर नहीं लिखता। आइए सब प्रेम पढ़ते हैं, सब अपना प्रेम सुनाते हैं, मैं आपको अपनी विडंबना सुनाता हूं। और ये विडंबना सभी के साथ गुजरी है, ये वो पल है जो हमारे पहले प्रेम के नाम है, कि चंद लम्हों का तुमसे क्या नाता रहा, चंद लम्हों का तुमसे क्या नाता रहा, उम्र भर का सुकून मेरा जाता रहा। क्या बात, चकिया मेरे लम्हे थे, किसी के दिन होंगे, किसी के साल होंगे, किसी के महीने होंगे, सारे नौजवान बैठे हैं और कुछ भूतपूर्व भी बैठे हैं। आप सबकी पहली मोहब्बतों को याद करिएगा और इन पंक्तियों को जोड़ लीजिएगा कि चंद लम्हों का तुमसे क्या नाता रहा, उम्र भर का सुकून मेरा जाता रहा। तुम तो उड़ती रही आसमां पे सदा, तुम तो उड़ती रही आसमां पे सदा, मैं जमीन पे घरौंदे बनाता रहा। वाह 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 वाह, तुम तो उड़ती रही आसमां पे सदा, मैं जमीन पे घरौंदे बनाता रहा, तुम उल्फत के नाटक दिखाती रही, तुम उल्फत के नाटक दिखाती रही, मैं हकीकत समझ मुस्कुराता रहा। तुम उल्फत के नाटक दिखाती रही, मैं हकीकत समझ मुस्कुराता रहा, और दुनिया वालों ने मुझको समझाया बहुत, मेरे यारों ने दुनिया वालों ने मुझको समझाया बहुत, मशवरे में उनके ठुकराता रहा। दुनिया वालों ने मुझको समझाया बहुत, मशवरे भी उनके ठुकराता रहा। और फिर वो हुआ जो दुनिया की 95% पहली मोहब्बतों का होता है, कि तुम डोली पे चढ़ के विदा हो गई और मैं दांतों से उंगली चबाता रहा। तुम डोली पे चढ़ के विदा हो गई और मैं दांतों से उंगली चबाता रहा, चंद लम्हों का तुमसे क्या नाता रहा, उम्र भर का सुकून मेरा जाता रहा। दोस्तों एक गंभीर रचना है जिसके लिए ना मुझे ताली चाहिए, खामोशी से सुनिए और फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, मंच का ध्यान चाहूंगा। हाँ बस लास्ट है कि मैं गीत लिखना चाहता हूँ, मैं गीत लिखना चाहता हूँ, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, तुम्हारी याद का कोई पल नहीं। मन से सुन लीजिएगा, कोई ताली नहीं, कोई भूमिका नहीं, आराम से बस इस कविता को सुन लीजिए आप, कि मैं लिखना चाहता हूँ बेतहाशा बारिशों पर, मैं लिखना चाहता हूँ मंदिरों की घंटियों पर, बिना पतवार बेतरतीब बहती कश्तियों पर, मैं लिखना चाहता हूँ मंदिरों की घंटियों पर, बिना पतवार बेतरतीब बहती कश्तियों पर, सड़क पर बेतहाशा दौड़ती इन गाड़ियों पर, जमी से आसमां को चूमती ऊंची छतों पर, ये जो फुटपाथ पर कोहरे की चादर में लिपटकर, ये जो फुटपाथ पर कोहरे की चादर में लिपटकर अलाव के किनारे तप रही हैं, मैं ऐसी सर्दियों पे गीत लिखना चाहता हूँ। ये जो फुटपाथ पर कोहरे की चादर में लिपटकर अलाव के किनारे तप रही हैं, मैं ऐसी सर्दियों पे गीत लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ बेतहाशा बारिशों पर, बारिशों का एक रूप दिखा रहा हूँ जिसे आप सब लोग रूबरू होते हैं, कि मैं लिखना चाहता हूँ बेतहाशा बारिशों पर, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, बहाकर ले गए हैं जाने कितने के घरों को, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, बहाकर ले गए हैं जाने कितने के घरों को, और उन बेघर किसानों की जिन्हें दो जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है। एक चित्र बना रहा हूं, अगर बन जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, कि उन बेघर किसानों की जिन्हें दो जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है, वो जिनकी लड़कियां
फसलों से पहले पक गई है। और उन बेघर किसानों की जिन्हें तो जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है, वो जिनकी लड़कियां फसलों से पहले पक गई हैं, मैं उनकी लड़कियों पे गीत लिखना चाहता हूं। मैं सच में गीत लिखना चाहता हूं, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद चकिया, बहुत बहुत।